मुहतरमा सायरा बानो साहिबा। शुक्रिया जनाब स्पीकर। वो आपने कहा ना सलाउद्दीन भाई के शादी ब्याह महंगे हो गए हैं, तो इसका आसान तरीका है कि खामोशी से कर लें, चार साल बाद मीडिया निकाल लेगा, पता ही ना चले किसी को। स्पीकर साहब, कल तो आए इसहाक साहब और एक बम गिराकर चले गए, तो उनको वो रुके भी नहीं, आपने मुझे वक्त भी नहीं दिया। उनको तो मुबारकबाद पेश करनी थी यहाँ आने पर कि चार साल कैदो बंद की सऊबतें उठाईं और उसके बाद वो आए और यहाँ पर हमें भले बम ही गिराया मगर अपना चेहरा दिखा दिया। जी मोहतरमा सायरा बानो साहब। नहीं, वो मैंने कहा शायद ज़रूरी बात है, मैं भी सुनूं कि कौन सा वो। तो जनाब स्पीकर, इधर जिससे भी पूछा उन्होंने कहा कि भाई ये जो IMF से मुआहदा हुआ है ये मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है और ये है वो है। तो मैंने भी कोई तनकीद नहीं करनी थी, अब ज़ाहिर है पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होता तो नहीं देख सकते, हालांकि गो के इसमें मेरा कोई हिस्सा नहीं है। तो लेकिन मैंने सिर्फ वज़ीर ख़जाना साहब को एक रिक्वेस्ट करनी थी कि 15 और 25 वाले को तो छोड़ें, मुझे एक 50,000 वाले का बजट बना कर दिखा दें। आप मुझे बजट बना कर दिखा दें, मैं आपको इसको भी मैं आपको वोट दूंगी और आइंदा आने वाले आपके फैसलों को भी मैं सेकंड करूंगी। सर ये कौन सी बात है कि आप आए, आप जिस दुख तकलीफ और कर्ब से गुजरते ही नहीं हैं, जिस उससे गुजरते ही नहीं हैं, और आप यहाँ पर आके भाषण देते हैं कि ये हमें मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। मुश्किल फैसले अपने लिए करें ना, अपने लिए क्यों नहीं करते? अवाम को सादगी का दर्स दिया जा रहा है, इनके एक एक लिबास और इनकी अशिया जो इस्तेमाल करते हैं उनकी कीमतों का आपको अंदाज़ा है? डेली एक फोटो शूट आता था 15 लाख रुपए का कोट, 10 लाख का जूता, 15 लाख का स्काफ। ये एक पाकिस्तान जो डिफॉल्ट हो रहा है, वेंटिलेटर पर है, उसकी आवाम को ये मजाक एक तस्वीर ट्विटर पर डेली शेयर होती थी। मुझे सिर्फ एक 50,000 वाले के जीने का हक छीन लिया है उन लोगों से। आप मुझे बताएं कि ये पेट्रोल के लिए यहीं पर ही थे। मेरी एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई ऐसा रूल है कि जो हुकूमत है वो यहीं बैठी रहे और अपोजिशन के वो बेंच हो जाए, क्योंकि मेरे ख्याल में इन बेंचेस में, इन चेयर्स में कोई प्रॉब्लम है कि यहाँ पर बैठने वाला बोलता है और वहाँ पर जाकर सुमन बुकमन उम्यून बन जाते हैं ये लोग, इनकी ज़ुबान नहीं चलती। और यही जब मैं वहाँ पर बैठ के हुकूमत पर तनकीद करती थी तो यहाँ पर सब बैठे डेस्क बजाते थे। आज जब मैं यहाँ पर खड़ी होकर हुकूमत पर तनकीद करती हूँ तो उन सबको प्रॉब्लम होता है। तो जनाब स्पीकर, मैं आप इन्होंने तो यहाँ तकरीर कर दी, इस तकरीर के बाद अगर इतनी हिम्मत है, कल मैं एक ग्रॉसरी शॉप तक गई थी, वो भी कोई F6 नहीं गई थी, यहाँ कोई चाइना मार्केट के पीछे कोई दुकान है, वहाँ पर जाकर आप लोगों की तकलीफ उनकी आंखों से उनका अंदाज़ा लगा लें। मुझे यहाँ पर कल ये करंट डेफिसिट और खुदा जाने क्या क्या बता रहे थे, मैं या आप अपने हलके में जाकर किसी गरीब आवाम को क्या इनको करंट डेफिसिट बताएंगे कि हमारी अयाशियों से तुम लोग इस साल तक पहुँचे हो, अब तुम ही लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेगा, ये कुर्बानी तुम लोगों को देनी पड़ेगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि कुर्बानी तो हलाल जानवर की जायज़ है, तस्मीन हम हलाल हैं, जिनकी कुर्बानी नहीं है उनकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। अब आप देख लेंगे कि यहाँ पर उठते ही जो बोला था, मैं आज इस फोरम पे अपनी पार्टी की तरफ से, मुस्लिम लीग फंक्शनल और सदर पीर पगारा और सदरुद्दीन शाह की तरफ से, मैं आप बिलावल साहब को मैं दावत देती हूँ कि आप सिंध से महंगाई मार्च शुरू करें, हम आपके साथ हैं। और मैं अपने MQM के भाइयों को भी कहती हूँ कि वो वहाँ से यहाँ आए थे ना कि महंगाई है, तो ये वक्त है अपनी महाजर कौम के सारी गिले दूर करने का, कि तब भी आप लोगों के साथ थे महंगाई के लिए और आज भी इस हुकूमत को लात मारी है इस महंगाई की वजह से। लेकिन हम यहाँ पर बैठ के सिर्फ बातें करेंगे। यहाँ पर मेरी कुछ मेम्बरान से बात हुई है, नाम नहीं लूँगी मैं, एक से मैंने कहा कि कल तुम डेस्क तो ना बजाते, सुन ली थी तकरीर, कहता गरीब पैदा क्यों होता है, गरीब का कसूर है। इधर किसी ने मुझे बोला कि मुसलमान को सब्र और शुक्र का दर्स दिया गया है, सब्र शुक्र करें, पूरी दुनिया में महंगाई है। मैं टिम हॉर्टन्स
और क्या कहते हैं पीएसएल का मैच देखने वाले और कराची दो दरिया में खाने वालों की बात नहीं कर रही, मैं उसकी बात कर रही हूँ जिसके पांच पांच बच्चे हैं और एक बाइक है, वो पेट्रोल भरवाएगा, दवाई लेगा या क्या करेगा। इन्होंने यहाँ पर वो कहते हैं कि शहद में घोल घोल के यहाँ पर सारा ये बजट बता दिया। मैं वैसे लिखा हुआ पढ़ नहीं सकती इसलिए कि उसमें जज्बात नहीं होते, वो रीडिंग होती है। जैसे कल परसों ये वजीर ख़जाना साका साहब ने आके बिना जज्बात के यहाँ पर आकर कागज़ पढ़ के और ये जा और वो जा दूसरे के ऊपर, और पीछे यहाँ पर बैठे हुए सारे पीछे डेस्क पर जा रहे थे कि उसने वो कर दिया, क्योंकि इनकी तो दुकान चल रही है। मैं उस दिन नहीं थी, मैं उनको खराज तहसीन पेश करती हूँ मुफ्ती अब्दुल शकूर को कि जिन्होंने एटलीस्ट इन दो वजारतों के कपड़े उतार कर हम लोगों को दिखाए। ये ऐसे नहीं होगा, मुझे बताएं कि वो आवाम ही रहेंगी तो आप लोग हुकूमत किस पे करेंगे। और बिजली की बात कर रहे हैं तो आप मुझे बताएं कि आईपीपीस के मुआहदे किसने किए थे, आईपीपीस के मुआहदे तो इन्होंने किए। स्पीकर साहब आपकी तवज्जो चाहूंगी। और कल उन्होंने कहा कि हुकूमत जैसे ही संभलने वाली थी तो सैलाब आ गया, तो जनाब स्पीकर मुझे माफ़ कर दीजिए, जिस वक्त सैलाब आया तो उस वक्त तो हम अपनी जिंदा दिली का सबूत दे रहे थे। 75 करोड़ आवाम के खून पसीने और टैक्स की कमाई से हम यहाँ पर तकरीबात कर रहे थे। और मज़े की बात है, प्लीज़ मतलब मैं बहुत आराम से बात कर रही हूँ, कोई तंस नहीं करूँगी, कि अभी आइन की तकरीबात का आगाज़ हुआ है। क्या आइन के आर्टिकल 327 या 35-36 आगे, क्या उस पर यह रियासत पूरा उतरती है? क्या हमारी जानो माल की हिफाजत है? यहाँ पर हमें बुनियादी सहूलतें मुयस्सर हैं? यहाँ पर मतलब हम लोग इतने नाक के पक्के हैं कि उस पर वो करके आइन की बात कर रहे हैं, और ये हालात इस नहज तक ना पहुँचाएं कि हम अपनी बड़ों की कुर्बानियों को बेफजूल समझें। क्योंकि गोरे से तो ले कर रहेंगे पाकिस्तान, ये नारे लगाकर हमने आज़ादी तो ले ली, अब मैं किससे आज़ादी मांगूँ? क्या गोश्त खाने के लिए हमने आज़ादी मांगी थी कि खुला गोश्त यहाँ पर खाने को मिल जाए? उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। और मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि उस कश्मीर वाले दिन में यहाँ पर ना वज़ीर आज़म थे, ना वज़ीर खारजा थे, ना दिफा मिनिस्टर थे, और ये यहाँ पर कश्मीर का वो हो रहा था, और जो मोदी की कहानी सुना रहे थे मुझे तो एक सेकंड के लिए, मैं तो उस वक्त आई थी, मैं समझी कि आप शायद यहाँ के हालात सुना रहे हैं। मुल्क को पता नहीं आप लोगों ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। टैक्सीज की बात करें, जैसे अभी मेरे भाई ने बोला कि रमज़ान आने वाला है, मशरूबात पर, अरे मीठे मशरूबात पर क्यों टैक्स लगा रहे हैं? कड़वे मशरूब को लीगल करके उसके ऊपर टैक्स लगाए ताकि रेवेन्यू भी मिले पाकिस्तान को। मीठे मशरूबात एक गरीब रोज़ा रख के एक उसकी ख्वाहिश होती है रूह अफजा पीने की या वो करके, और उन्होंने कहा बाकी चीज़ों पर टैक्स नहीं लगा। मुर्गी गोश्त महंगा नहीं हो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तानी खुद ही महंगा कर लेंगे। जनाब स्पीकर अभी वज़ीर आज़म साहब ने कहा था कि ये जो थर कोल है ये गेम चेंजर होगा, उसके ऊपर तो टैक्स लगा दिया, वो क्या गेम चेंजर होगा? और नहीं उसको हलाल कर दे, मीठा तो गरीब पीते हैं, आप लोगों को उसको लीगल करके उसके ऊपर टैक्स लगा देना चाहिए। तो जनाब स्पीकर ये सब बैठ के इसके मसले को, मेरी बात सुनिए मोहतरमा, मैं एक तवज्जो आपके दिलाना चाहता हूँ कि सेनेट की तरफ से फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल पर सिफारिशात मौसूल हो चुकी हैं जिनकी कापियाँ आपको मुहैया कर दी गई हैं, लिहाजा आप उन पर भी बहस करना चाहें तो कर सकती हैं। सर अभी कौन सी कापियाँ, और आज हालात तो यहाँ पर हैं कि आज पावर की मीटिंग है और रात को 90 सफ़ों का एक पंफलेट आ गया था, मैं 90 सफ़े रात को बैठ के पढ़ती और ये यहाँ पर आके करती। जनाब स्पीकर ये ऐसी बात करते हैं यहाँ पर, अब मैं सायरा बानो नाम है, एक्टिंग भी बहुत अच्छी करती हूँ, इन सब की आवाज़ के साथ इनको इनका कोरम याद दिलाऊंगी जो यहाँ पर 5 दिन लगातार आप करो तो हलाल। यानी कि अपने तकरीर जारी रखिए, आप अपने तकरीर तो ये यहाँ पर जनाब स्पीकर इनको नो क्रॉस टॉक प्लीज, ऑनरेबल मेंबरान एक दूसरे से क्रॉस टॉक नहीं कर सकते। सर फर्क नहीं पड़ता ना, दिल दुखा हुआ हो तो तब ना। मैं आपको अपना शहदादपुर में 2 हफ्ते पहले, 1 हफ्ते में 4 खुदकुशी हुई है, और मैं इस एवान के सामने कहती हूँ कि ठीक है मेरे हस्बैंड वेल ऑफ हैं, बट मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरे भाई ने परसों मुझे मैसेज किया और उसने बोला कि दुआ करोगे मैं मर जाऊँ, और वो सिर्फ एक मेरा भाई नहीं है,
मैं पूरे अपने जो भाई जिनका रابطہ मुझसे नहीं है मैं उनकी मैं बात कर रही हूँ। जब स्पीकर कल मैं गई थी, वो जिस बंदे ने एक चार टमाटर और चार आलू लेकर 400 उसके पास नहीं थे, उसने पर्स निकाला, मैं शर्म से गड़ के मर गई। 272 लीटर पेट्रोल आप लोगों ने मुश्किल करनी है तो आप V8 और बड़ी बड़ी लैंड क्रूजर ग्रैंड क्रूजर को 500 लीटर पेट्रोल देना, गरीब को आप नहीं वो करें। दवाइयां तो वो दवाई नहीं मिलती, सरकारी अस्पताल का आपने हाल देख लिया, मैं प्लीज आप मार दें, आप प्लीज मार दें। ये मेरी बहन पीछे बैठी हो तो पीछे ही बैठी रहो, अगली दफा की टिकट नहीं मिलेगी अगर ज्यादा चुट चुट की तो। ऑनरेबल स्पीकर, मतलब इनके दिमाग मिली नहीं उन लोगों से, इनके भूसा भरा हुआ दिमाग में। ऑनरेबल मेंबर आप मुझे एड्रेस करें और नहीं सर, ये उसे बोलती कोई काम है नहीं, पार्टी में कोई पूछता है नहीं, और यहाँ पर आके सिर्फ ये चार अल्फाज बोल के और उसको वो कोशिश करती है कि हमने भी उंगली कटवा के शहीदों में नाम लिखवाया है, मतलब ये कौन लोग हैं? आप जारी रखें तो आप मुझे बताएं, अशराफिया 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 तो चली जाएगी यहाँ से, तो हम बदमाशिया को मार देना कि इस मुश्किल हालात में भी जीने की ख्वाहिश रखते हैं, ये बदमाशी नहीं है तो और क्या है? इज्जत नीलाम हो, अभी तो पहले किसी ने मुझे कहा कि आगे क्या होगा, बच्चे तो बिकते थे, इज्जतें भी नीलाम होती थी। आई एम सॉरी, भले आप एक्सपेंस कर दीजिएगा अल्फाज, पहले ढके छुपे होती थी, अब खुलेआम होंगी, और मैं इज्जत नहीं बोलूंगी, जिस्म फरोशी बोलूंगी, क्योंकि अगर इज्जतें बिक रही होती तो सब खरीद लेते, फिर बिल लाने की जरूरत ना पड़ती कि इज्जत दो हमें, सब यहाँ पर बैठे हुए इज्जतें खरीद लेते अगर इज्जत बिक रही होती तो। आप मुझे बताएं कि कोई लाए अमल दे दें कि अगले 5 साल तक ये मुश्किल हालात बर्दाश्त कर लो या 10 साल तक बर्दाश्त कर लो तो फिर भी तसल्ली हो कि ठीक है मैं नहीं रही तो ठीक है मेरे बच्चे उसमें रहेंगे। सर आपने तो बच्चों से जीने का हक छीन लिया इन लोगों ने, 20,000 वाला क्या करेगा? और इंसाफ की आप बात करते, मैं तो अदालतों वाली इंसाफ या उस चीज़ की अभी वहाँ तक तो मैं गई नहीं, आप ये चीज़ों को देख लें, यानी कि मेरी अगर आमदन 10 लाख रुपये महीना आता है, मैं भी वही मुर्गी खरीद रही हूँ 800 रुपये किलो, और मेरा ड्राइवर बच्चल जिसकी 30,000 रुपये तनख्वाह है वो भी 800 खरीद रहे हैं, वो दूध 200 रुपये है किलो मैं भी ले रही हूँ 200 किलो वो भी ले रहे हैं, मैं घर में अब ग्रॉसरी नहीं लाती इसलिए कि मुझे शर्म आती है कि वो ड्राइवर बावर्ची उठाएगा तो उसके दिल में क्या होगा कि ये थैले भरे आ रहे हैं और उसके घर में खाने को है या नहीं है, 2-2 किलो की चीज़ मंगवा लेती हूँ कि जाओ बेटा सामने से लेकर आ जाओ। तो आप मुझे बताएं, मतलब थोड़ा सा जीने का हक दे दे, खुदा पाक को जाके जवाब देना। यहाँ पर आप आयतें पढ़ाते हैं, आयतें पर्दा कर चुकी हैं, आयतें पर्दा कर चुकी हैं, अभी ये कहते हैं वो तिकना, ये इनको शर्म नहीं आती? रात के अंधेरे में पेट्रोल का पंप गिराते हैं तो वो भी जरूर, रात के अंधेरे में पेट्रोल का पंप गिराते हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही थी, चश्मा नहीं था, मैंने कहा ये क्या हो गया, शायद मैं रात को रोई हूँ, अल्लाह पाक ने मेरी दुआ सुन ली, पता चला वो पिछले थे मैसेजेस ना जब वो यहाँ पर बैठा करते थे, अब सब कुछ जायज़ है, सब कुछ हलाल है। यहाँ पर बहुत तुर्की हमारे भाई हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शाम का नाम भी लिया, क्योंकि पहले एक हफ्ता तो उस बेचारे का नाम भी नहीं था, फिर जब इंटरनेशनल मीडिया ने डालना शुरू किया तो हमने भी शाम बोलना शुरू कर दिया। हमारे भाई हैं, हमारे मुश्किल वक्त में खड़े होते हैं, दिलो जान से मदद करनी चाहिए। वहाँ पर जाने के लिए उतावले थे, कभी कहाँ तबाही आई हुई उस दिन कोई पहुँचता है? उस दिन कोई पहुंचते जाएं तो तब कि आप अपनी वेल्थ में से, जैसे ये भाई ने बोला कि हम लोगों से तो ले ली तनख्वाह, अवाम से भी वो दे दिया, अवाम के पास है जो अवाम डोनेशन देगी, वहाँ पर अल्लाह पाक उनकी मदद करेगा, और वो रियासत माँ जैसी है, उनके हुक्मरान हमारे जैसे नहीं हैं, उनके लिए वो खड़े हैं, दबी हुई अवाम के लिए हम इजारे यकजहती के लिए बेचैन हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो मरी हुई फाकों से अवाम है उसके लिए कोई दिल में दर्द नहीं है। तो अभी ये आयन की तकरीबात के लिए कितने पैसे वो हुए, इन्होंने अभी बोला कि हम तनख्वाह नहीं ले रहे, 1,80,000 से क्या होता है, वो तो वैसे ही एक वक्त का खाना है, खाना पीना तो, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं वो, ये जो गाड़ियाँ, ये फ्यूल कार्ड, इनकी ताम झाम, इन सब पे कितना पैसा खर्च होता है? देखो खुदा का खौफ कर ले, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, ये सारा कुछ मैंने लिखा था लेकिन ये बेफजूल है, मैं किसको इशारिया सुनाऊँगी कि 13 पॉइंट ये हुआ, मोदीज़ की रेटिंग ये है, वो ट्रांसपेरेंसी ने ये बोला वो बोला, हम में से तो किसी को भी ज़रूरत नहीं है, सब अल्हम्दुलिल्लाह खाते पीते घरानों से हैं, सब अल्हम्दुलिल्लाह खाते पीते घरानों से, लेकिन किसी और का तो सोच लें। तो ये यहाँ पर प्लीज़, मतलब अब तकरीबन साल होने वाला है,
आप भी कहते रहे लेकिन यहाँ पर आने की तौफीक नहीं हुई। मैं कुछ लोगों का, आप लोगों को दिलचस्पी होगी, आप यकीन नहीं करें मुझे इस ऑडियो लीक से पीटीआई क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। सब जाएं भाड़ में, लोग आवाम मर रही है, आप उसको देखिए। तो खुद ही कह लेते इनसे सिफारिश क्यों करवाएं। मोहतरमा कंक्लूड कीजिए, वाइंड अप कर ले। तो मैं वाइंड अप ही कर रही हूँ, मेरे पास तो कोई जाहिर है वो इतने ना इशारे हैं ना मैंने मौशियात इतनी पढ़ी हुई है। कॉलेज नहीं था, वो ऐसे ही वो कॉलेज था, साइंस कॉलेज नहीं था, आर्ट्स कॉलेज था, समझ भी नहीं आती थी। मौशियात एग्ज़ाम था, 30 नंबर थे, 3 ग्रेस मार्क मिले थे, 33 नंबर हैं मौशियात के। और एक ही याद है कि इंसान मौशी जानवर है, लेकिन घर का किचन चलाती हूँ, घरेलू औरत हूँ, तो मुझे पता है कि ये सब, आई एम सॉरी, ये सब बकवास है ये जो बता रहे हैं। इससे ये होगा, इससे वो होगा, इससे ये होगा, इससे वो होगा। जिस वक्त खाना बनाने या किचन में खड़े ना, उस वक्त आटे दाल का भाव पता चलता है। शुक्रिया, बहुत मेहरबान।